और उम्मीद आए थे पेरेंट्स के भी डाडो मजो आए थे मकसद आता वंडरफुल लैंड शहर में अलग अलग एक कस्म की वजह से जिस तरह आप सब जानते हैं कि हर शहर में अलग अलग किस्म के हिसाब से विंटर पड़ती है। अस्सलामुअलैकुम, आज हमारे इंडस्ट्री स्कूल की तरफ से हमने जो है मौसम सरमा की तरफ से एक स्कूल लौटकाने में विंटर लैंड के नाले से अस्सलामुअलैकुम, आज हमारे इंडस्ट्री स्कूल की तरफ से हमने जो है मौसम सरमा की तरफ से एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है विंटर फीस के नाम से। ये फेस्टिवल एक्चुअली हमने इसलिए किया है कि बच्चों में थोड़ी सी जो है वो सरगर्मियां विंटर फीस के लिहाज से भी हो सकें, और इसमें हमने बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लाइक इग्लू बनाया है और आपके सेंटा क्लॉज बनाए हैं, ट्रीज डेकोरेट किए हैं। बच्चों ने बहुत दिल लगा कर मेहनत करी है और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, आपने देखे भी होंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। इनमें से करने के क्या है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है जिसमें उनकी जहनी नशोनुमा जो है और ज़्यादा बेहतर होती है। स्कूल लौटकाने में विंटर लैंड के नाले से इवेंट किया है, माना सियारे जा रंग, सियारे जा एक खास रंग थियन था, नंढा बार जो पढ़न था उनके उनकी क्रिएटिविटी के बढ़ाने के लिए, तकलीकी सलाहियत के बढ़ाने के लिए उनके प्रोजेक्ट दिनोसे, तो बाबा सियारे में किन इलाइकन में बर्फबारी थी थे, किन इलाइकन में ये सी तो थे सुको, तो उन्हें सीए का बचाने के लिए कि गर्म कपड़ा पाएजन था, उन इलाकन जहाँ मूँ कड़ी कड़ी कोशिश कन था पाया, उन एक इमेजिनरी ख्याली प्रोजेक्ट खड़ी उन सियारे के रंग के जाहिर करने की उन्होंने कोशिश कई है। नंढा प्रोजेक्ट जो ठाया अन अड़न शाया अन जे शूँ अगमें इस्तेमाल थी मू उछले तो छे या वरी अड़ी नंढी नंढी शूं वी उन्होंने आर्टिफैक्ट्स ठाया इतने तो उन कुछ हिस्सा अड़ा ठाया जो जिथे लगे तो का बर्फबारी पे थी पई, उन बर्फबारी जो इंप्रेशन देने के लिए उ स्प्रे कन था पाया, उनमें ये लगे तो जो बर्फबारी थे थी पई। बेन जगह से वरी अड़ा आर्टिफैक्ट्स जिनमें गर्म कपड़ा पाए मू पो पान के बर्फबारी का या सी का कि बचाव कन था पाया, पूरे हाल जो उन माहौल अड़ो ठाया जो माहौल में अंदर दाखिल थियण से ही ये लगे तो जन बर्फबारी थी है, सख्त सी है, उनके जाहिर करने के लिए बार उ मुजाहरों भी कन था पाया। मजमू तौर पर असि कोशिश यह है
तो स्कूल में जो बार पढ़न था उन तख्लीकी सलाहियतूँ उन्होंने शार्प कजे उन्होंने तेज़ कजे उन्होंने तरबियत भी कजे छो तो तालीम तरबियत का बगैर पाँ मकसद हासिल ना कर सकती जेस तई बार में उ तख्लीकी सलाहियतूँ पैदा न थी थन तेस तई वो इंडिपेंडेंटली वा थी भी पाँ कम न कर सकता वे बेन डिपेंड कदा सो अज इन स्कूल में सियारे के हवाले से छो तो सियारे की मौसम है इन हवाले से ही प्रोग्राम थो जैमें तुम था तो स्कूल जहाँ बार उन्हें वालदेन मौजूद शहरी वे अंग में इतने ऐसन था घुमन था पाया ऑडिटोरियम का बहर मुख्तलिफ खाधन पीतन जहाँ सियारे में जो गर्म खाधा पीता थन था उन्हें स्टॉल भी लगा पाया जै भी बार घुमन फिरन था पाया ये सब ठा रहा है उम्मीद है पेरेंट्स के भी ढो मज़ो आंदो इन मकसद आ वंडरफुल एंड असा सभी के ढो मज़ो आए जो भी सारी शयून ये अस ही ठादियों पर असा के ठाण में भी ढो मज़ो आयो बी फातिमा ये कहना चाहेंगे कि हमारे आज डायरेक्टर ऑफ स्कूल रिस्पेक्टेबल सर मुख्तार समो ने सारा डेकोरेट करवाया है इसीलिए ताकि हमारे बच्चे एक्टिविटीज़ सीखें और ये जानें कि हम किस तरह विंटर सीज़न मनाते हैं और हर एक शहर में अलग अलग एक कस्म की वजह से जिस तरह आप सब जानते हैं कि हर शहर में अलग अलग किस्म के हिसाब से विंटर पड़ती है तो सभी जानते हैं कि लाड़काना में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती पर फिर भी हम ये विंटर फेस्टिवल आज मना रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ठंड भी होती है सो इसीलिए आज हमने अपने स्कूल में बहुत अच्छा सारा डेकोरेशन की है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ऑल्सो टीचर्स भी और तमाम टीचर्स की मेहनत है यहाँ पर डेकोरेशन करने में और तमाम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम ये अपना प्रोग्राम सर अंजाम दे रहे हैं और हम बहुत थैंकफुल इंडस स्कूल के जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आगे आएँ और तमाम बच्चों के साथ मिलकर उस्ताद भी और तमाम बच्चे भी ये साथ में विंटर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें थैंक यू